छह मौलिक अधिकार पर ध्यान दोगे जी, क्योंकि सात मौलिक अधिकार में एक तो संपत्ति का अधिकार को तो हटा दिया गया, तो जो छह मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स उस पर फोकस करने का काम करेंगे। जैसे पहला है समानता का अधिकार, राइट्स टू इक्वालिटी, इसका उल्लेख 14 से 18 में देखने को मिलती है। दूसरा राइट्स टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख 19 से 22 में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। फोर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उल्लेख इसका आर्टिकल 25 से 28, जो कि आप देखोगे लेफ्ट साइड आपके देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है पांच नंबर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एंड शिक्षा संबंधी अधिकार, दो आर्टिकल इसमें याद रखेंगे 29-30। और नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। तो बहुत जरूरी है याद रखना जी, आपको जैसे याद रखना रखो, हिंदी बोल के रखो, इंग्लिश बोल के रखो, जैसे याद रखना है रखो। और हिंदी में अगर देखो 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 तीनों 100 से है ना, फिर धार्मिक आ गया, फिर 100 से, तो 100 से पहले बोले तो समानता है। आप जब तक किसी को नहीं समान समझोगे, देखिए आप कैसे याद रखना इस पर फोकस कर रहे हैं, छः को कैसे याद रखें, तो सबसे पहले समान समझना पड़ेगा। चलो भैया ऑल आर इक्वल, समान समझोगे तभी आप स्वतंत्र सबको समझोगे, लोग अपने आप में स्वतंत्र भी समझेंगे, तब उनको लगेगा हम शोषण, हमारे ऊपर शोषण नहीं हो रहा है। तो देखिए तीन तो ऐसे याद हो गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, तो उसके उसके आधार पर आप उसको माइंड में सेट कर लीजिए। फिर है धर्म, तो बता धर्म में तो शोषण होता नहीं है, अगर जहां धर्म बोल दे तो संस्कृति दिखेगा हमारा, बोलो दिखेगा कि नहीं, और कोई दिक्कत अगर हुआ तो संवैधानिक उपचार हम लोग का होगा, जो कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो आप लोग जहां भी बैठे इसको बोल बोल के याद रख लीजिए, क्या है तब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसको रिवीजन करें, बोले रिवीजन करें, ठीक है। अब देखोगे कि 26 जनवरी 1950 को मौलिक अधिकारों की जो स्थिति थी उसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(च) तक अनुच्छेद 31 में अधिकार के रूप में रखा गया था। देख लीजिए, मतलब मौलिक अधिकार को दो जगह रखा गया था, एक 19(1)(च) के अंतर्गत और एक अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। लेकिन 1978 में जो 44वां संशोधन जो हुआ, संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। होता था ना जी, एक बाप के चार बेटे, ठीक है, तो चार भाई बंटवारा किया संपत्ति पर, ठीक है, लेकिन पता चली बड़ा भाई है तो क्या इसके संपत्ति का बंटवारा भी ये भाई आपस में करेंगे क्या, ऐसा नहीं ना है जी। देखोगे बहुत सारा केस उस करके बहुत सारा ऐसा केसेस देखने को मिले, बड़ा भाई की संपत्ति है, ठीक है, चार गो कार है तो तीन गो कार आपस में बंटवा ली, बट लिया, चार जगह जमीन है तो आपस में बांट लिया, तब तो संपत्ति का अधिकार का पूरा फायदा उठाया गया कि नहीं उठाया गया, तो इसको हटा दिया गया, अब केवल संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया है। और अभी तो देखोगे, अभी तो और भी एक अधिकार देखने को मिल रहा है, कौन सा, कि जब तक मम्मी पापा है संपत्ति के अधिकार पर किसी तरीके से उनके बेटों का संतान का कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्या जी, नहीं। नेक्स्ट आप देखोगे